से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते। तो इसका मतलब है सदोम के जगह पे बालाघाट डालो। और यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम बालाघाट के समान हो जाते। तो इसका मतलब क्या है, सदोम जैसे नाश हो गया वैसे बालाघाट नाश हो जाएगा, जैसे मेरा महाराष्ट्र नाश हो जाएगा, लेकिन बालाघाट अभी भी बचा है आप लोग की वजह से। मेरा महाराष्ट्र बचा है आप लोगों के वजह से, आप है मेरे साथ में। और इसी बात को पौलुस ने रिपीट भी किया है, अगर परमेश्वर यहोवा थोड़े से लोगों को नहीं बचा देता तो हम लोग कब के खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि परमेश्वर जानबूझ के देरी कर रहा है। थैंक यू सो मच परमेश्वर। एक बात और बता दे, हम परमेश्वर को ऑर्डर देंगे या वो हमको ऑर्डर देगा? एग्जैक्टली। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, जल्दी क्यों नहीं आ रहे आप? आपने लिखा था, YouTube वालों आ रही है ना बात समझ में, आपने बोला था, आप लिखकर गए हैं, ऊपर से परमेश्वर बोलता है मेरा सिस्टम अलग है, तेरा सिस्टम अलग है, मेरी घड़ी अलग है, तेरी घड़ी अलग है, तू सेकंड और मिनट्स और आवर्स में चलता है, मैं सीजंस और काल में चलता हूं। तुम अपनी घड़ी लेके बैठे हो, वो अपनी घड़ी लेके बैठा है। आ रही है ना बात समझ में, परमेश्वर को अपनी घड़ी मत दिखाओ। वो जिस दिन तुम अपनी घड़ी दिखा देगा ना, तुम घड़ी घड़ी देखना भूल जाओगे अपनी घड़ी। ताली बजा दिया। वो धीरज धरता है एक का भी नाश ना हो। गलत ये छेन हो, जल्दी आना बेटा। जी गलत इसको जी। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो इसका उल्टा करो, हम ढीले हैं इसलिए कटनी नहीं कट रही, और क्योंकि कटनी नहीं कट रही आगे बोल दो समय लग रहा है। तो परमेश्वर ऊपर बोल रहे डैनियल सब कुछ तेरे हाथ में, तू जल्दी जल्दी काम करेगा मैं आ जाऊंगा। कम ऑन। तो इसका मतलब है अगर भारत के 135 या 136 करोड़ मुझे नहीं मालूम, अगर इनको बचा लिया कम से कम भारत बच गया। अगर हमने यूरोप को बचा लिया, फिर हमने अफ्रीका को बचा लिया, जापानीज कंट्री, फॉरेन कंट्री, अगर हमने पूरे 710 करोड़ 7.2 बिलियन लोगों को बचा लिया, तब तो यीशु मसीह बोलेगा यस टाइम खत्म आ रहा हूं मैं। सिंपल लॉजिक है साहब, सिंपल लॉजिक है। इसको पढ़ो बेटा। हाँ यूहन्ना 9:4। जी जिसने मुझे भेजा है हम उसके काम दिन ही दिन में हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मतलब क्या है, जिस दिन खत्म हो जाएगा मैं मिशन का काम, सुसमाचार का काम, उसमें जरूरत ही नहीं है काम करने की, लेकिन अभी दिन है, अभी वक्त है। देखो इसमें क्या लिखा है, आपको फिलिपुस और खोजा की कहानी याद होगी। याद है आपको, मैंने आज बताया था कल बताया था याद नहीं आ रहा, सब यहां पर है प्लीज। अच्छा वो जो डिपार्टमेंट है सर आप लोग ठीक है, शुक्रिया। ना इसको देखिए, ये था खोजा, ये है फिलिपुस, और इसने इस खोजा को सुसमाचार सुनाने के लिए थोड़ी सी धीमीपन दिखाई थी, आपको याद आ गया होगा, अभी ये बोला था शायद, अभी बोला था वो स्वर्ग आज कल आज बोला था ना। हाँ छोड़ो यार, भेदों की किताब उसका 8:26 में, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से आजाद हो जाता है जंगल में। वो उठकर चल दिया, तो वो चल दिया, इसको कहते हैं ढीलापन। फिर उसके बाद में पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा ने 28:29 में कहा, तब आत्मा ने यानी पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले, फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा। तो इसको कहते हैं स्पीड बढ़ाओ, इसको कहते हैं सब लोग सुन रहे हैं ना, इसको कहते हैं सेवा में आगे बढ़ो। एक आ जाना भैया, ऐसा सोचते ये खोजा है, मैं फिलिप बन जाता हूं, खोजा जा रहा है टूडू किसके रथ पे, घोड़े पे, रथ पे चैरियट, इंग्लिश में चैरियट, घोड़े पे जा रहा है हॉर्स, टूडू ये जा रहा है अपने अपने इसमें है ना, मुझे कोई बताओ। लेकिन फिलिप कहां है, ये देखो ऐसा चल रहा है, रोड ठीक नहीं था साहब, डांबर का नहीं था, पहाड़ थे, पत्थर थे, आबड़ खाबड़ थे। इतने में पवित्र आत्मा आया ठपाक करके, क्या कर रहा रे? जिसको वचन सुनाना है बहुत ध्यान से सुनना, जिसको वचन सुनाना है वो है घोड़े पे और तू जा रहा है ऐसे, मैच नहीं हो रहा। मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे बात करूं, मैंने उल्टा प्रभु को पूछना चाहिए था अगर मैं फिलिप होता, प्रभु जी पवित्र आत्मा जी आप बहुत अच्छे हो,
मुझे दौड़ाने के बजाय उसको रुका देते। राइट सर, मुझे दौड़ाने के चक्कर में उसको रुका देते। अगर वो रुक जाता तो मैं वहां तक पहुंच जाता। तब पवित्र आत्मा बोलता है, नाश होने वाली की स्पीड बढ़ाओ या जो बचाने वाला है उसकी स्पीड बढ़ाओ। मैं वही तो समझा रहा हूं, क्या बात है, आप है मेरे साथ में। तो मैं चाहता हूं कि आपके पैर सुसमाचार के जूते के साथ तैयार है। फिर जूता बीच में आ गया। पहले दिन विचित्र आदमी अंदर बैठा है, मुझे क्या बोलते हैं मालूम है आपकी मीटिंग में, आप पुलपिट पे खड़े हैं जूते उतार के क्यों नहीं खड़े हैं? जूता मेरा, पैर मेरा, मीटिंग इनकी, जब ये चुप है तेरे को क्या तकलीफ है रे? मैंने आते ही पहले पास साहब का जूता देखा, मैंने बोला शुक्र है यहां जूते चलते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है जूता उतारने में। मैंने अंदर उतार के गया, लेकिन यहां पे जूता चल रहा है तो क्या तकलीफ है रे बाबा तेरे को? और मुझे जहां तक पता चला कि जूते में भी अपनी 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 आया करो जल्दी से चाल है, चाल है। ये लड़कियों के ऊपर बात करूंगा जल्दी से, ये जब फ्लैट चप्पल पहनती ना तो ऐसे चलती है कि आया चल रही है, आया समझते हैं आप लोग, नौकरानी फ्लैट चप्पल। इनके पैर में जैसे सैंडल आता ना तो ऐश्वर्या, इनकी चाल बदल जाती है। तब मुझे पता चला कि जानबूझ के यीशु मसीह ने बोला क्या ही सुहावने हैं उनके पैर, वेट वेट वेट, क्या ही सुहावने हैं उनके पैर। और उनको कौन सा जूता दिया गया? सुसमाचार का। तो जो सुसमाचार का जूता पहनेगा, अगर वो ऐसे ऐसे चलेगा नर्क नहीं जाएगा तो और क्या होगा? एक तो जूता पहना है, ऊपर से दौड़ नहीं रहा है, और ऊपर से कहता है कि मैं इवेंजलिस्ट हूं, ऊपर से कहता है कि मैं प्रभु की दासी हूं, दासी दासा एनीवे, आप मेरे साथ में। और ऊपर से जा रहा है, इसको कहते हैं सुस्त की जिंदगी, मस्त की जिंदगी। सुस्ती, आऊंगा एक दिन प्रचार करने, सुस्ती चुस्ती मस्ती, नहीं बोलूंगा मेरा टाइम चला जाएगा। इसको क्यों बुलाया था मैंने? खोजा अभी तुझा। मैं वापस कहता हूं अपनी स्पीड बढ़ाई है ना, इसको देखिए नेक्स्ट बेटा, दूसरा ग्रंथ दीजिएगा तो जी, देखो देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। ओके, मैंने जैसा डाला है ना मैं वैसा पढ़ देता हूँ, मुझे को पता है कि तरह तक गला ठीक नहीं है। सब लोग तैयार है? ओके, दरअसल इसको ऐसे पढ़ना होगा, पीछे सब लोग ठीक है भैया? ओके, लिखा है देखो अभी, फिर कहता है वह प्रसन्नता का समय है, फिर कहता है देखो अभी उद्धार का समय है। Can you believe this? तो परमेश्वर पौलुस के द्वारा बोल रहा है कि कलीसिया को सिखाओ अभी। सब लोग बोलिए प्लीज अभी। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? तभी। परमेश्वर बोलता है अभी। कुछ लोग को हम जब चर्च में सिखाते हैं ना, पास्टर जी भैया आप लोग भी सिखाते होंगे, चर्च को बोलते हैं हमें तैयार होना है, कुछ लोग बैठे बैठे ठीक है, पास्टर साहब बिल्कुल फायर में बोलते रहते हैं, जैसे अभी हम तीन दिन से बोल रहे हैं आपको सेवा करना है। आपस में कुछ जवान बच्चे, आप लोग नहीं जनरल बात कर रहा, बोला यार ठीक है ये कोट वाला अच्छा बोल रहा है, हमको जो करना है हम करेंगे। वापस कहता हूं अभी, मैं फिर कहता हूं अगर आपने जूते पहने हैं सुसमाचार के, आपको सेवा करना है अभी। थोड़ा जोर से सिस्टर्स के साथ में एक साथ अभी, जो यूट्यूब पे फेसबुक पे सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा अभी, नॉट तभी, अभी अभी उद्धार का दिन है, अभी तौबा का दिन है। नाउ इसको देखिए यूहन्ना 4:35, यस सिस्टर, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो। ओके, यहाँ पे जमशेदपुर डाला है क्योंकि जमशेदपुर में बात कर रहा था, इसको बालाघाट करना है। जी अभी, जी देखो तुम मैं से कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो और बालाघाट पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए। आप मेरे साथ में, मुझे नहीं पता कि आप में से किसी लोगों ने कभी कटनी के ऊपर प्रचार किया नहीं किया। अक्सर 90% लोगों ने कहा गेहूं है, लेकिन मुझे अभी रिसर्च करते करते पता चला कि वो गेहूं नहीं है, वो भुट्टा है, कॉर्न्स भुट्टा। तो यीशु कहता है अगर वक्त पे नहीं काटा किसको, भुट्टे को, तो तुम हो जाओगे बाद में भुट्टे 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 भुट्टे। अगर सही चला तो गुड्डे,
अगर नहीं चला सही तो बैठे हैं। कैसा लग रहा है? लिखा है, अपनी आंखें उठाकर देखो। बालाघाट को कैसे देखते हैं आप लोग? शॉपिंग पे जाते हो, भाजी खरीदने जाते हो, कैसे दिखते हैं आप लोग? नहीं दिखते भुट्टे के तरीके, पकने के लिए, कटने के लिए बिल्कुल तैयार है, सीधा है ना? इसको देखो, ये है आपका पाकिस्तान का नक्शा। शुक्र है यहाँ है आप लोग, ये है आपका भारत ना। मैं चाहता हूं कि भारत की कुल आबादी, अभी 135 डाल दिया, 36 हो गए, आपके भारत में सब ठीक है? ओके, मैं फिर पूछ रहा हूं, अच्छा लग रहा है कि बंद कर दो? ओके, और कौन सा टॉपिक है? सेकंड कमिंग, यीशु आने वाला है। ये सारा मसाला लेकर आके उनके सर पे डाल देना जो ऐसा बोलते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि यूट्यूब का और फेसबुक का जितना भी लिंक है पोस्ट कर करके देते रहो, ताकि दिमाग की बत्ती तो जले ना। मैं फिर पूछूंगा, आपके भारत में 29 राज्य में अभी टोटल पॉपुलेशन कितना? 135 करोड़। साथ ही साथ राज्य कितने? 29। साथ ही साथ गांव कितने? 7 लाख। फिर उसके बाद में जनजातियां कितनी है? 2238। फिर आपके 19,000, अच्छा ये भी गलत है, 19,100 पिन कोड, ये पता है आपको? ओके, नाउ अब पूछूंगा संतोष कितने हैं और सलीम कितने हैं, नाम से पता लगा लीजिए। संतोष कितने हैं और सलीम कितने हैं? संतोष है 75, सलीम है 15, बाकी का छिल्लर छोड़ दो। संतोष कितने हैं? 75। सलीम कितने हैं? आया करो जल्दी से। अब प्रश्न उठता है कि हम कहां हैं? 6%। और जिसको मैं कहता हूं कि संतोष है 100 करोड़ और सलीम है 25 करोड़, और बाकी के जितने 5-6-7 ये हैं आप और हम, अब उसमें भी गड़बड़ है। ऐसे करके पूछो क्या गड़बड़ है? इधर देखो, 50% तो कैथलिक है, 50% तो कैथलिक है, 10% पेंटिकोस्टल है, प्रोटेस्टेंट्स है, 20% पेंटिकोस्टल्स है। मैंने 10% ही रखा है प्रोटेस्टेंट को, पेंटिकोस्टल आजकल ज्यादा हो गया, ठीक है ना? उसके बाद में 10% कल्ट ग्रुप है और 10% आ जाए मेरी जान 10% ऑर्थोडॉक्स है। टोटल कितने हो गए? 100। टोटल कितना गिरेंगे? 6%, तो आधा इधर आधा उधर। अब ये 50 अगर कैथलिक हैं, वो भी देख लो कैसे वाले हैं। अब आप पूछोगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? उसी में से बाहर निकले हैं, मम्मी के पापा मिलिट्री में मम्मी के पापा मिलिट्री में, मेरे पापा कंट्री में, जिसका बाप कंट्री में, बेटा देसी में, आप है मेरे साथ में। मैं फिर पूछूंगा, देख रहे हैं इसकी हालत? किसी को देखकर तकलीफ तो नहीं हो रही ना? नहीं, आपको आपके पुराने दिन याद आ रहे होंगे शायद। हाँ, शर्म आनी चाहिए। पूछो किस बात पे? विश्वासी होकर अगर ऐसी हरकत करते हो तो शर्म आनी चाहिए। बीच में कोई खड़ा होकर मेरे को रोक के बताओ कि मैं गलत बोल रहा हूं, हिम्मत करना भी नहीं। आप है मेरे साथ में? मैं एक दिन, आजकल नया कुछ बोल रहा हूं भैया, नया सीखा हूं, नया कुछ बोल रहा हूं। या तो सुधर जाओ पूरा, या तो बिगड़ जाओ पूरा। कैसा लगा? या तो सुधर जाओ पूरा, या तो बिगड़ जाओ पूरा। अगर बीच बीच में इसको मारते हो तो पूरा मारा करो। पूछो क्यों? थोड़ा थोड़ा मार के भी नल जाओगे, इससे अच्छा पूरा मारो लग जाओ। कमोनिया सुन लो, आप लोग सब ठीक है? मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां पर अगर ऐसा कोई बैठा है जो ऐसी हरकत करता है, पास जी आपका चर्च मेरा चर्च एक ही है, आपका परमेश्वर मेरा चर्च परमेश्वर एक ही है, हम और आप एक ही परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जो आप बोलने वाले, मैं अभी बोल देता हूं, अगर आपके चर्च में, यानी मेरे चर्च में, ये मेरा चर्च है, इस मेरे चर्च में अगर ऐसा कोई आता है, मैं उसको अभी कहना चाहता हूं, कल संडे नहीं आना, वापस चले जाओ संसार में। ओके, नाउ 50% अगर ये कट हो गए, ये कौन है 50%? जी, पर इधर दिखा रहा है ना कि तू भी पी लेता है कभी कभी। 50% तो ये कट हो गए। अब प्रश्न उठता है, 50% तो ऐसे वाले ईसाई हैं, तो बचे कितने? 6 में से 50 गए तो 50% कट गए, तो बचे कितने? 3%। कॉमन सेंस, ये 3% में भी समस्या है, आते हैं उसके ऊपर। और ऊपर से क्या चाहिए? सेकंड कमिंग।
ऊपर से क्या चाहिए, यीशु जल्दी आया, वो तो शुक्र है कि अभी तक आया नहीं है। इसलिए ज्यादा याद मत करो, अगर उसने याद कर लिया ना कहीं के नहीं रहोगे जी। इसमें है पाप का जीवन, ये तीन टक्का वाले, फिर उसके बाद में व्यभिचार का जीवन, फिर उसके बाद में घमंड का जीवन, फिर उसके बाद में पैसे का लालच, फिर उसके बाद में आपस में प्रेम ही नहीं है। ये कौन लोग हैं? अभी बताता हूं, वापस आता हूं। ये वो लोग हैं जिसको आपने 10% प्रोटेस्टेंट कहा और 20% पेंटिकॉस्टल कहा। कल्ट ग्रुप को तो गिनता नहीं हूं और ऑर्थोडॉक्स को नमस्ते, क्योंकि अभी हम सब समझते हैं। मैं वापस कहता हूं, बचे 50% 3% में भी समस्या है। सब लोग ठीक है ना भैया? पट रहा है ना मेरी बात? उसमें तो पाप का जीवन है। पाप का मतलब क्या है? वो हर चीज जो खुदा को पसंद नहीं है पाप है। वो हर चीज जो खुदा को पसंद नहीं है क्या है भैया? पाप है। आप आइए, आप ही आइए। ऐसा सोचो ये बीमार है, नाटक में ये बीमार है, डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर डॉक्टर मैं तकलीफ में हूं, बीमार में हूं, क्या करो? डॉक्टर बोलता है इंजेक्शन ले लो, सोने के बाद में 3 गोली, उठने से पहले 3 गोली। ओके, उठने के बाद में 3 गोली, सोने के पहले 3 गोली, अभी ठीक है खा लेना। फिर ऊपर से डॉक्टर को पूछता है खाना क्या खाओ? दही और चावल बस। जैसे कहा भैया दही और चावल, डॉक्टर को क्या आश्चर्य करे? हाँ, डॉक्टर को क्या बोलता है मालूम है? डॉक्टर साहब फिश खा सकता हूं, डॉक्टर साहब चिकन खा सकता हूं, सख्त करके दे देगा वो किसको? जल्दी पूछो क्यों? जब बोल दिए हैं दही चावल तो उसके बाद में सवाल का पूछ रहा है। वैसे ही मैं कह रहा हूं, जब बोल दिए हैं पाप नहीं करना है तो बीच में घुसाते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है? दारू नहीं पी सकते, बाइबल में कहां लिखा है? सिगरेट नहीं पी सकते, बाइबल में कहां लिखा है? गुटखा नहीं खा सकते, बाइबल में कहां लिखा है? विचित्र टाइप के लोग यहां पे भी बैठे हुए रहते, कहते पिक्चर नहीं जाना है कहां लिखा है, पिक्चर का गाना नहीं सुनना है कहां लिखा है। जब बोल दिए हैं पाप नहीं करना है, बात खत्म हो गई, जाकर बैठ जा। कम ऑन, ये सुन लो, वो हर चीज जो नहीं लिखी है इसका मतलब क्या तुम करते बैठोगे? जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो। जो चीज नहीं लिखा है ना वो आज आपने छोड़ दी है, अगर मैं उसके अंदर आ गया ना तो आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आप उसको छोड़ के बैठे हैं। अगर हमने पूछ लिया बाइबल से कि ये तो नहीं लिखा है, फिर काहे छोड़ दिया? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो चीज पाप है वो पाप है क्या? हाँ, जो चीज पाप है वो पाप है और उसको नहीं करना है, उसमें बीच में नहीं घुसना है। ऐसा वाला कर ले, कभी कभी थोड़ा सा पी ले। कल बताए थे यहां से निकालते धुआं, वहां से निकालते धुआं, वहां से निकलेगा पता नहीं कहां कहां से। दूसरा है व्यभिचार का जीवन। एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी, बोल दूं? ये व्यभिचार के चक्कर में बोल दूं? हम सबके पास आंखें हैं, कैसे करूं एनीवे, फिर भी करता हूं। हम सबके पास आंखें हैं, यहां बोलो कहां तक देखना है, एक औरत को और एक लड़की को। यहां पे देखिए, इस गर्दन के नीचे तुम्हारी नजर नहीं जानी चाहिए। क्या हुआ? जब किसी औरत को देखते हो, जब किसी लड़की को देखते हो, आपकी आंखों से, पुरुषों पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आंख से गर्दन के नीचे नहीं जानी चाहिए। इसको प्रैक्टिस डालो, प्रैक्टिस समझते हैं, इसको प्रैक्टिस डालो। मैं नहीं देखूंगा, जैसे किसी लड़की को देखा आपको प्रैक्टिस करना है, यार गर्दन के नीचे नहीं जाना चाहिए। आप लोग साथ नहीं दे रहे हो, यस सर नो, कैसे बोलूं, टाइम भी कम पड़ रहा है, ठीक है आता हूं। आज का जो युग है, आज का जो जनरेशन है, वो शरीफ है या फिर मतलब बिगड़ा हुआ? बाहर जो 4 मेन सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और क्या है, कलकत्ता, जी ये जो 4 कैपिटल सिटीज है, जब यहां पर घूमो, बैंगलोर को कैसे भूल गया मैं, वहां तो भेड़ा घरक है क्योंकि हब है वो काय का, इसका आईटी का। रात को 3 बजे मैं ऐसी जा रहा था कहीं पर बैंगलोर में, शॉर्ट पहन कर लड़कियां, बच्चे लोग आप लोग नाराज नहीं होना, शॉर्ट पहन के लड़कियां एक हाथ में सिगरेट दूसरे हाथ में बियर का कैन सड़क पे घूम रही मस्ती करते। अब उसको देखने के लिए ये आंख को प्रैक्टिस नहीं डालना है?
आप शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, कपड़े कहां कहां से खुले रहते हैं हम ही को नहीं पता, यहां तो आप लोग सब इस पे है दुपट्टे पे, लेकिन सड़क पे जाओ तो यार ऐसा मत देखो बात करो। तो इसको प्रैक्टिस डालना है कि नहीं डालना है? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है क्या करूं, क्योंकि टॉपिक सही शिक्षा वाली है ना। एक वक्त था साहब जब हम अविश्वासी थे ना, तो जितना पाप नहीं करे थे ना उससे ज्यादा पाप विश्वासी बनने के बाद हो रहा है। आपने सुना अभी भी? जी जी जी, इसको प्रैक्टिस डालो, क्योंकि सारा खेल आंखी का है। देखी ना फल फिर खाई, देखने में कितना अच्छा है। यार क्या हो रहा है मेरे साथ? इस पृथ्वी पे आपकी हर औरत या तो मां है, या तो बहन है, या तो बेटी है, या तो सास है, या तो बहू है, और क्या भाभी है, ननंद है, मदद करो, चाची है, नानी है, दादी है। एक चीज बता रहा हूं ध्यान में रख लेना, अगर गलत लगा तो बीच में उठ के रोक देना, फ्रेंड नहीं है। बाप रे, फ्रेंड नहीं है। बाइबल के अंदर लड़की को औरत को लेकर एक भी जगह पे पौलुस ने ये मेरी फ्रेंड है, क्योंकि फ्रेंड का स्पेलिंग में लास्ट का तीन स्पेलिंग का एंड है, ई एन डी। जिसने जिसने बनाया फ्रेंड उसका हो गया एंड। आप है मेरे साथ? यस सर। अगर जिस जिस यहां पे जिस जिसका लड़का का गर्लफ्रेंड है आज के बाद उसको एंड करो, नहीं मैं सच बता रहा हूं, आपके फोन से उसका नंबर डिलीट करो, उसको नमस्ते करो, फिर आप लोग बोलेंगे डैनियल भाई आपको नहीं पता उसके साथ में मेरा 5 साल का प्यार है, मैंने मरने और कसमें जीने की कसमें खा ली है, मैंने तो उसके लिए चांद तारे तोड़ के लाया, मैंने बोला बगल से पेड़ का फल नहीं तोड़ सकता, चांद क्या तारे, तारे क्या तोड़ेगा, 5 साल का प्यार है। राजा कितना साल का प्यार है? 5 साल का प्यार है, गजब का प्यार है, सब लोग सुन रहे ना, 5 साल का प्यार है। मैंने बोला इधर आ मूर्ख, यीशु मसीह का 2000 साल पुराना प्यार है। ये सुन लो, जिस जिस लड़की का बॉयफ्रेंड है सबको कट करो। ये लड़के अभी मेरे को हेलो नहीं करने आए, जल्दी से कुछ बोलो बच्चे लोग, आप लोग के लिए जो तुमको लड़का बाद में धोखा देने वाला है ना, इसके पहले कि तुम बाद में धोखा खाओ खुद ही धोखा देके बच जाओ। अब आप बोलेंगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम, तो मैं भी तो था देवदास, मेरे पहले था दिलीप कुमार, मेरे बाद में शाहरुख खान, बीच में मैं, आप नहीं समझे शायद, मेरी वाइफ के पहले एक चक्कर था मेरा, ऐसे मध्य को अविश्वासी था, मेरी वाइफ को यह पूरा किस्सा पता है इसलिए पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हूं। उसका नाम भी विचित्र है, नाम सुनिए क्या है, सुनना चाहोगे? हाँ, दूसरे के फैमिली में बड़ा इंटरेस्ट रहता है आप लोग। मजाक कर रहा हूं। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था जो पहले 25 साल पहले, उसका मेरा उंगली देख लो, उसका नाम था चारू, और मेरे जिंदगी के करे 4 टुकड़े। क्या प्यार था पास्टर जी मेरा उसके साथ में। तभी श्रीदेवी की पिक्चर आई थी चांदनी, सफेद कपड़े में साड़ी में, मेरे को वो पूरी चांदनी दिखती थी, उसके लिए जीना मरना सब खा लिए थे। मैंने कहा तू जो बोली मैं करूंगा, 2 साल गजब का प्यार चला बेटा, फिर उसके बाद में मेरे को आकर क्या बोलती मालूम है, तू कौन और मैं कौन, और जो झटका मिला उसके बाद में खत्म। वो तो शुक्र है कि 93 मार्च 16 तारीख को मेरी जिंदगी में एक हमेशा का प्यार आया, और उसका नाम है यीशु। जीसस क्राइस्ट। बहुत सारे लोग बैठे हैं, सेक्स गलत है, बस इतना बोलूंगा, शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करना जो उसकी नजर में गलत है। यहां बहुत सारे माएं बैठी हैं, अपनी बेटी को बचाओ। यहां बहुत सारे बाप बैठे हैं, अपने बेटे को बचाओ। अपने बच्चों का फोन हमेशा चेक किया करो। लड़की एक और चीज बोल देता हूं, कभी खूबसूरत लड़कियों को लड़कों को माइक मत दो पास्टर साहब, जल्दी पूछो क्यों, बिगड़ जाते हैं। अब यहां जितने खूबसूरत लड़का लड़की है 90% सभी खूबसूरत है, या तो जल्दी से एंगेज कर दो
या तो कुछ और कर दो, क्योंकि 90% आज की तारीख में आपको नहीं पता कि ये आदमी क्या क्या करता है और किस किस को काउंसलिंग करता है एवरी डे। आज 90% लड़का लड़की प्यार में है, यस और नो? मैं वापस कह रहा हूं, जनरल है, प्लीज गुस्सा नहीं होना। पुलपिट पे जितनी एक्टिंग नहीं होती उससे कहीं ज्यादा कहीं में भी नहीं मिलेगा जितनी एक्टिंग पुलपिट पे होती है। आपका जॉनी लीवर आपके सामने और मेरे सामने पानी कम चाय है, यस, क्योंकि वो कॉमेडी का किंग है, लेकिन हमारे सामने फेल है। नहीं समझे आप अभी भी? यहाँ पे बाइबल रखकर जो हम लोग कारनामा करते हैं ना, और ऊपर से क्या चाहिए ब्रदर, सेकंड कमिंग। अरे ये बात समझ में, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पास्टर साहब जैसे ही पता चला कि बालाघाट में डैनियल राज वापस आ रहा है, मेरे को पक्का पता कि ये लोग उसी दिन से वॉकआउट हो, बोले नहीं चाहिए आदमी, ऐसा है? वो बात अलग है, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं जल्दी जा रहा हूं, घमंड मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, पैसे का लालच इस पर बात करूंगा। रिपोर्ट बनता है 500 का, बनाते हैं 5000 का। नहीं समझे शायद आप, मेरी मिनिस्ट्री है मूर्तिजापुर में, आप लोग जानते हैं, कोई कम से कम 20,000 से 25,000 पब्लिक आती है वहां पे। और पिछले दो संडे पहले, पिछले संडे माफ करिए, मैं वहां था प्रचार के लिए, 25,000 पब्लिक। तो वहां पर एक आदमी ने कॉल किया पास्टर ने, और मुझे बोला कि पास्टर डैनियल हम आपकी मीटिंग में आना चाहते हैं, आपको मिलने आना चाहते हैं। तो वो आ गया बंदा, नाम नहीं बताऊंगा, अगर वो सुन रहा है तो वो समझ जाएगा कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। खचा खच भीड़ थी वहां पे, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसने फोटोज लेना शुरू कर दिया, मैं सोचा कि यार कितना अच्छा आदमी है, मेरी फोटो ले रहा, मेरी मीटिंग की फोटो ले रहा। फिर बाद में पता चला कारनामा अलग है, आप नहीं समझे शायद। फिर मेरे को आके बोलता है एक आदमी, बोलता है पास्टर जी वो जो आपके बगल में बैठा था आपको पता है वो कौन है? मैंने बोला कौन है? बोला फोटो निकालता है दूसरों की मीटिंग की और विदेश में बेचता है अपनी मीटिंग बोल के। एक बात बोल दूं, मैंने कहा एक बात बोल दूं, अगर ऐसा ही करना था तो सड़क पे कटोरा लेके भीख मांग लेते, बीच में कोई खड़ा होकर मेरे को रोकने की कोशिश करो अगर मैं गलत बात कर रहा हूं। अगर यही करना था तो सड़क पे खड़े हो जाते ना। ये खुद को भी धोखा, चर्च को भी धोखा, परमेश्वर को भी धोखा। कम ऑन, ये सुन लो, पौलुस कहता है पैसे के चक्कर से भाग, रेफरेंस दे दूंगा चाहिए तो, पैसे के चक्कर से भाग, जितना तेरे पास में उसमें खुश रहे। चार वक्त की रोटी है, खुश रहे। मारुति नहीं है, मोटरसाइकिल है, खुश रहे। अगर BMW नहीं है, मारुति है, खुश रहे। झोपड़ा है, खुश रहे। नहीं चाहिए 2BHK 3BHK, नहीं चाहिए बंगला और विला, जो है वो सही है। जो इतना सब कुछ रख के रात को उनको नींद नहीं आ रही, तुमको कहां से आ जाएगी? कैसा लग रहा है? ये सब चक्कर में पड़े हुए लोग आज, और आपस में प्रेम नहीं है साहब, आपस में जमता नहीं है। वो भाई साहब जो होस्ट कर रहे थे, हाँ थैंक यू सर, बस 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 वही रहिए। ये नाम क्या है भैया का? सुशील।